दोस्तों अब नेक्स्ट पंडाल की तरफ बढ़े। दुर्गापुर का जो है, जिसका नाम है, जगह का नाम है चतुरंगना, चतुरंगना जगह का नाम है, और पंडाल देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए भाई साहब हाइपर हो रहे हैं मेरे ऊपर, विवेक बर्नवाल बोल रहे हैं भाई तुम जहाँ जाते हो वीडियो बनाते हो, तो जल्दी जल्दी आपको वीडियो दिखाएंगे और एंड करेंगे। तो जल्दी से आप देखो पंडाल का वीडियो। Movement so graceful, wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystal lights fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. इस पंडाल का क्या खासियत है ये बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी तक तो ये सबसे बड़ा पंडाल दुर्गापुर का देखने को ऐसा लग रहा है। तो अंदर जाने का रास्ता शायद लेफ्ट साइड से है, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों इस पंडाल का खास बात बताऊं आपको, पूरे होम्योपैथिक के छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं उससे बने हुए हैं और शीशा से बने हुए हैं। तो चलिए आपको शॉर्टकट में दिखाते हैं। तो दोस्तों इस पंडाल का खास बात, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि पूरे होम्योपैथिक के जो छोटे छोटे शीशी होते हैं जिसमें गोली के दाने मिलते हैं आपको दवाई के रूप में, उसी के खाली डिब्बे से बना हुआ है और शीशा के हैं और कपड़ों से हैं। तो सीन कुछ ऐसा है बाहर से, और लेट हो रहे हैं इसीलिए जल्दी चल लेंगे, और आपको और भी कवर करना भाई। भाई आपका पिछले 12 घंटे से इसी वैनिटी कार में ट्रेवल कर रहा है और आपको दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है मतलब कि पंडाल दिखा रहा है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अग्रणी, अग्रणी का यहाँ पे चलिए पहले देखिए इसे, उसके बाद फिर दिखाते हैं बैक कैमरे से। यहाँ पे बांग्ला में लिखा हुआ विश्व बांग्ला, विश्व बांग्ला का यहाँ पे दिया गया है काफ़ी अच्छा ये मतलब गेट, एंट्री गेट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अग्रणी, जो कि हल्का सही से नहीं लिखा हुआ लेकिन सही है अग्रणी, मैं जानता हूँ बांग्ला पढ़ने तो बता दिया आपको। और यहाँ से एंटर करेंगे सीधा अभी हम लोग मंदिर में, तो चलते हैं। कुछ इस तरह का सीन है, और हमारे यहाँ पर तीन भाई सब मुरझाए हुए हैं, कृपया अपना चेहरा दिखाने का कष्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा। हम मुरझाए नहीं, हम ठीक है, ठीक है। और आलोक भैया प्लीज़ थोड़ा कैमरे के सामने देखिए, इनका आँख देख कर ही पता लगा सकते हैं कि कितने नींद में हैं। और यहाँ आगे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं छोटा भीम चुटकी, जिसका क्रश है ये कमेंट करें, इसका जबड़ा टूटा हुआ है। दोस्तों हमारे पीछे जो आप नंदी महाराज को देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बना हुआ किससे अगर आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। और जी बिल्कुल, ये बने हुए हैं रबड़ के टायर से, जो कि हम लोग साइकिल या फिर बाइक में यूज करते हैं। तो चलिए डिटेल्स आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये ट्यूब है बाइक के या फिर साइकिल के जिसके बोल सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये टायर हैं, यहाँ पर देखिए ये टायर हैं, और कुछ इस तरह का सीन है, ये भी देख सकते हैं टायर है। चलिए जूम करते हैं, देखिए है ना, ये भी टायर है। नंदी महाराज देखने में काफ़ी भयंकर लग रहे हैं, और सब पूरे टायर से बने हुए हैं और ट्यूब से बने हुए हैं, तो काफ़ी अद्भुत है सीन यहाँ का देखिए। यहाँ पीछे अभी देख रहे हैं नंदी महाराज जी हैं, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ब्लू कलर के कुछ इस तरह के सीन हैं, तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई हम मेरे गुस्सा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ये भी पूरे टायर से बने हुए हैं,
मतलब कि यहाँ पर जितने आप सीन देख रहे हो ना, सब टायर और ट्यूब के बने हुए हैं। आप मतलब एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, है ना, टायर के है ना, ये पूरे पंडाल टायर के हैं और ट्यूब के हैं। काफ़ी मतलब मेहनत से बनाया गया है इनको। तो भाई टैलेंट तो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, अद्भुत चीज़ें आपको देखने को मिलती है इस हिसाब से। ये भी टायर के बने हुए हैं, देख लो। और अगर मैं इधर की बात करूँ, तो भाई आपका यहाँ पर फाइनली एंटर करने जा रहा है टेंपल में, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआती दौर में आपको हाथी मिलेंगे जो कि अभी टायर और ट्यूब के बने हुए हैं। यार यूनिक चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखिए पूरे पंडाल, मतलब कि आपको मैं क्या दिखाऊँ, सब टायर और ट्यूब के ही बने हुए हैं संपूर्ण रूप से। पूरे रबड़ के पंडाल हैं, यानी कि टायर ट्यूब के हैं। Movement so graceful, wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna. ये जो आप देख रहे हो, ये एक टायर है, और टायर को जो राउंड होते हैं आप जानते ही हो, तो इसको इसका मुंह का रूप दिया गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपको मिल रहे प्रतिमा देखने को, मतलब इस टाइप के डिज़ाइनदार, सारे मतलब टायर और ट्यूब के बने हुए हैं। देखो यहाँ तक इसका हाथ का जो मुट्ठा है, ये भी टायर के बने हुए हैं। और यहाँ से आप देख लो, सीन तो काफ़ी अद्भुत है, और बनाने वाले की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, कोई शब्द नहीं है, अद्भुत। अब भाई आपको यहाँ का प्रतिमा दिखाने वाला, यानी कि माता रानी का दर्शन करते हैं श्री दुर्गा का। तो ये टायर के बने हुए नहीं हैं, ये नॉर्मली मिट्टी के बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहे हैं। She anticipates no chance if you become prey. Two stars in the darkest night, a crystallized fascinate. Her movements, she feels your heartbeat, an animal fear. Her beauty is unreal, just be free out of here. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. तो दोस्तों ये रहा अग्रणी का पंडाल, कुछ इस तरह का था। देख लिए, आप भी बताओ कमेंट करके कैसा लगा। अब हम इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो शायद भिरंगी जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि भाई साहब थोड़ा हाइपर हो रहे हैं, और हमारे यहाँ पर आलोक भैया बोल रहे सेल्फी लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, और देखते हैं क्या होता है। आप बने रहो, लेकिन इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलने तक आपको सीन दिखाएंगे। और अगले ब्लॉग को भी ज़रूर देखना, मतलब इस ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट पर शायद 10-12 पार्ट बन गए होंगे, इतना मतलब पूरा दुर्गापुर एक्सप्लोर कर लिए भाई। अब नेक्स्ट ईयर प्लानिंग करते हैं कोलकाता का, लेकिन किसी और भाई के साथ करेंगे, क्योंकि ये सब भाई काफ़ी हाइपर हो जाते हैं जल्दी। दोस्तों इतने यूनिक पंडाल बने हैं, तब तो फिर इतने लाइन लगना लाजमी है, इतना लाइन तो लगेगा ही। और सामने हमारा नंदी महाराज, और लाइन देख सकते हैं यहाँ पर, इतने सारे मतलब कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और यहाँ हमारे नंदी महाराज जी, जो कि ये भी आपको दिखाया ही मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बोल सकता हूँ आपको। अब चलते हैं जल्दी से, यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमारा नाग देवता भी हैं। चलो यहाँ चिलम पी रहे हैं भोले बाबा जी। जो लेना लीजिए आप, एक बार यहाँ नहीं रुके, घर ना घूम के फायदा नहीं है। दो 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 दो। यहाँ से लेना राइट ना, अभी सीधा चलना, राइट लेना। हाँ हाँ, अब काट दे, अब काट दे, अब काट दे, अब काट दे, काट देख लेगा यहाँ से। हाँ कर। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि देखिए हमारे विक्रम भाई मुरझा चुके हैं, और हम लोग भी मुरझा गए हैं। बारह बारह घंटा
तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग प्लानिंग किए थे भिरंगी देखने का, लेकिन हमने भिरंगी का पंडाल और एक दो छोटा मोटे पंडाल, छोटा मोटा नहीं लगभग बड़ा बड़ा पंडाल हम लोग छोड़ दिए। और अभी भाई साहब लगभग पिछले 13 घंटा से गाड़ी चला रहे हैं, देख सकते हैं विक्रम भाई का हाल जो है वो बेहाल हो चुका है, सभी मुरझा गए हैं, पीछे तो सब मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। और हम लोग फिलहाल फ्रंट सीट पर गूगल मैप के सहायता से इच्छापुर होते हुए जा रहे हैं, चंचनी होते हुए, सरफी होते हुए वापस जा रहे हैं उखड़ा। और सीन देखिए कुछ इस तरह का है, हम लोग अभी काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। और ए सीधा देखिए ड्राइवर, सीधा सीधा देखो पहले, हम उतना ना देखेंगे, हम ड्राइवर हैं। देखिए ये नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, कमेंट करके बताएं। हंसने पड़ता है भाई थोड़ा ऑडियंस को हंसाने के लिए, खुद हंसेंगे तब ना हंसेगा वो लोग। तो बस, और भाई सबका डिमांड है थोड़ा म्यूजिक सिस्टम, मतलब म्यूजिक सुनने का, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब इसका कोई पार्ट आने वाला नहीं है, ये लास्ट पार्ट है फुल एंड फाइनल। और आज हम जाने वाले हैं गांव अपना, एकादशी के दिन हम लोग घूमने निकले, द्वादशी भी लगभग घूम लिए आधा दिन, मतलब कि 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, और अभी बज रहे हैं 6:30 के आसपास बज रहे हैं। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम। और आज जाने वाले हैं झारखंड, तो देखते हैं क्या होता है, फ़ोन पे भी चार्ज नहीं है, पावर बैंक भी चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज तो करने पड़ेगा तब ना ब्लॉग दिखाएंगे आपको, तो शायद पोस्टपोन भी कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है आपको, बस नॉर्मल चैनल सब्सक्राइब करना, जानना, बाय बाय। With dangerous claws, movement she anticipates, a sight is set on her prey, like stars in the darkest night, crystallized, fascinate. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way, run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey, crystallize, 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 fascinate. We'll be right back.